वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल ही है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। बट खास क्या है कि लोग भूल जाते हैं और करते नहीं हैं। पता उन्हें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट नहीं करते हैं। तो करना है आपको। मैं यूजली ये काढ़ा अपने लिए रोज़ बनाती हूँ और रोज़ मैं मॉर्निंग में इसको पीती भी हूँ। तो मैंने सोचा, अभी मैंने इसमें पानी में काली मिर्च ऑलरेडी डाल दी थी, बट मुझे याद आया कि आपको भी बताना चाहिए इम्यूनिटी के लिए। इवन बॉडी में थोड़ी बहुत जो पेन्स रहते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो इस काढ़े से दूर हो जाती हैं। सिर्फ ये आपकी अभी वायरस जो है उसकी वजह से नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरली इसको बोल रही हूँ कि ये जनरली बहुत अच्छा होता है काढ़ा। ये बॉडी की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी दूर करता है। आपको कुछ भी है, सर दर्द है, जैसे यूजली साइनस हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिवियर होती हैं। तो मैं ये जो काढ़ा आपको बता रही हूँ डेली मैं खुद पीती हूँ। तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी थी पानी में, बट मुझे ध्यान आया कि आपको भी बताना चाहिए, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। आप इसको 1 कप अगर डेली रोज मॉर्निंग में पी लेंगे तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। मैंने पहले इसमें पानी डाला है, पानी में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी थी, ठीक है ना। तो पहले अब लेकिन फिर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा तो इसमें काली मिर्च थोड़ी पहले से डली हुई है। तो मुझे इसमें इलायची डालनी है। अब इलायची को मैंने, मेरा जो ऊपर का कवर था इलायची का, अभी आपको पता है चीज़ों की बहुत शॉर्टेज है, तो मैंने जो इलायची है उसका कवर लिया है। मेरे उसके जो दाने थे वो चाय में पहले यूज़ कर लिए थे तो मैंने कवर रख लिया था, बिकॉज़ उसका एसेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है पकने के बाद में, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने उसे पानी में यहाँ पर डाल दिया है। 2 लौंग ली हैं मैंने इसमें, सकते हैं मैंने काली मिर्च पहले भी डाल दी थी और बाद में भी पकते हुए थोड़ी और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है। अब काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और मैंने ये जो तुलसी के पत्ते लिए हैं इसमें बेकिंग सोडा मैंने डाला है, ताकि वो जो बेकिंग सोडा है वो पूरे जाले और जो यू नो छोटे छोटे कीड़े कहीं पे पत्ते के पीछे लगे रहते हैं, नेकेड आई से दिखते नहीं हैं, इसी वजह से इन्फेक्शन्स आ जाते हैं लोगों को और बहुत पॉइजनस भी हो जाता है। तो हमेशा कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जो भी ऐसा है आपके पास सॉल्ट, उससे अच्छे से इन पत्तों को जब भी यूज़ करें धो लीजिए। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में 5-6 बार इसको धो लीजिए अच्छे से और ये हमारे धुलकर तैयार है। अब मैंने जिंजर लिया है, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, ठीक है ना। जिंजर को अच्छे से कूट लेना है। अगर आप उसके बहुत सारे लोग पीसेस डालते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है पीसेस का, या तो आप पीसेस को फिर बाद में चबाएं लेकिन वो छान कर बहुत सारे छोड़ देते हैं और उसका थोड़ा सा एसेंस आता है, उसमें कोई आपको यूज़ नहीं मिलता। आप जब भी चाय में या किसी चीज़ में अदरक डालें तो आप उसको या तो पूरा खाएं अगर काट कर डाल रहे हैं, वरना उसको बिल्कुल कूट दीजिए अच्छे से। और मैंने पत्ते भी तोड़ दिए हैं, पूरे नहीं डाले, ताकि अच्छे से उसको पूरा उसका एसेंस मुझे मिल जाए। तो ये मैं दोनों इसमें डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब मैंने इसमें थोड़ी अजवाइन है वो भी डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत स्ट्रांग होती है, आपका डाइजेशन अच्छा करती है, तो थोड़ी इसमें अजवाइन भी डाल दी है हमने। अब हम इसको अच्छे से पकने देते हैं। ये देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें आप खालिस खालिस शहद जो होता है बिल्कुल प्योर वाला, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना, लोगों को मिलता नहीं है, बहुत सारे शहद ऐसे हैं जो कंपनीज बनाती है जिसमें एंटीबायोटिक्स डाल के रखते हैं, वो और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं। लोग सोचते हैं हम अच्छा खा रहे हैं लेकिन अच्छा होता नहीं है। खालिस हो तो ही खाइए, नहीं मिल रहा तो मत खाइए, ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है। लेकिन शहद इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर खालिस आपको मिल जाता है तो 1 चम्मच अगर आप ऐसे भी खा लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक 80-90% सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही पियेंगे, अब्रप्ट सा टेस्ट रहता है, थोड़ा टेस्टी तो नहीं रहती ये चीज़ें, लेकिन बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं। जिसको सर दर्द रहता है, बॉडी पेन्स रहती हैं और लेजीनेस रहता है और बहुत सारी फायदे हैं इसके। बच्चों का मामला ऐसा ही रहता है कि बच्चों और बूढ़ों का मामले में हम कुछ भी ऐसे ही नहीं ले सकते, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ। बट फिर भी अगर आपके बच्चों को फ्लू है, नाक बह रही है, तकलीफ है, तो इसकी 1-2 ड्रॉप्स उसको दे दीजिए, ठीक है ना। डॉक्टर से पूछ के दे दीजिए, अगर मतलब सलाह के लिए आपके पास कोई डॉक्टर तो पूछ के दे दीजिए। जो बड़े बच्चे हैं अबव 7 ईयर्स के लिए आप 1/2 टीस्पून जो होता है ना वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबव 7 ईयर्स के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 टीस्पून उसको दे दीजिए आप, ठीक है ना। 7 से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 1/2 टीस्पून दे दीजिए, और 10 साल से जो अबव है वो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं,
10 साल से लेके 15 साल या 15 16 साल के जो बच्चे हैं उनको 1 टेबल स्पून दे दीजिए। और अब 16 साल के हैं जो, वो आराम से 1 कप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूढ़े भी, बूढ़े में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको, इससे प्रॉब्लम्स जाती हैं, लेकिन अगर आपको और कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आपको अवॉइड करना, फिर आपको बच्चे की तरह ही लेना है ड्रॉप्स, आधा चम्मच एंड ऑल, ठीक है ना। वो कंडीशंस कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ। जनरली जो बिल्कुल हेल्दी है, अच्छा है, बस थोड़ा सा यूज़ जुकाम हो जाता है, कभी कभी सर दर्द हो जाता है, जनरल जो इम्यूनिटी होती है वो सबसे स्ट्रांग आपकी यंग एज में होती है, और उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें खप जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है बहुत छोटी एज में, बिलो 5 ईयर्स, और प्रॉब्लम आती है अबव 60 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा काढ़ा है, डेली आप इसे पीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये फ्लू इन्फेक्शंस जो छोटे छोटे लग जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में भी इन्फेक्शन होते हैं, पोलन्स हो जाते हैं, आँख लाल हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो सारी इन चीज़ों से चली जाएगी। इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, डेली 1 कप पिए काफ़ी रहेगा, बस 1 ही कप पिए, उससे ज़्यादा नहीं पिए, और बड़ा कप नहीं, नॉर्मल जो चाय का कप होता है जो मैंने दिखाया, बस वही पीना है। बहुत स्ट्रांग चीज़ें हैं, याद रखें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे गर्मी वाली चीज़ें हैं, गर्म हो जाता है, और इस टाइम पे गर्मी का भी मौसम है। देखिए आपके अगर घर में एसी और कूलर चल रहा है तो आप 1 कप पी सकते हैं, ठीक है ना, 1 कप पी सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 1/2 कप पिए, अगर आपके पास में सिर्फ फैन है घर में और नहीं और कूलर और एसी का अरेंजमेंट है, तो आप सिर्फ 1/2 कप पिए, बिकॉज बाहर भी गर्मी है और अंदर और ज़्यादा हीट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, वैसे ही बहुत इजी है, सभी बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन पीते नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भूल जाते हैं, वो नहीं करना है, इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस, टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल।